देखिए, पहले से जब आप बाहर निकलते हैं तो वहीं पास में ही महारानी का मार्केट बोल के एक जगह है। ये आपको सिटी पैलेस दिख रहा है एंड ये जो इधर दिख रहा है वो है महारानी का मार्केट। मेरे को नहीं पता क्या है मार्केट, नाम से लग रहा है कोई मार्केट वार्केट होगा। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको भी दिखाते हैं। ओके, से हम अभी आए हैं। इधर ही आपको क्या बोलते हैं, गोविंद जी का मंदिर है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है उस मंदिर का। एंड वो पहाड़ पे आपको एक मंदिर दिख रहा होगा, गण गणेश बोलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं ये गण गणेश जी का मंदिर है। एंड जो महारानी मार्केट के लिए हम लोग आए थे वो बेसिकली ये है, कुछ नहीं है क्या बोलते हैं। यहाँ पर आप बेसिकली शॉपिंग कर सकते हो, अलग अलग तरह का सामान ले सकते हो। एंड यहाँ पर आप हैंडलूम्स वगैरह के काफ़ी प्रोडक्ट हैं। मुझे जयपुर में जो हैंडीक्राफ्ट एंड वगैरह आप जो कल्चरल प्रोडक्ट लेना चाहते हो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हैंडलूम्स वगैरह के प्रोडक्ट्स, साड़ी वगैरह अगर आप लेना चाहो तो वो यहाँ पे आपको मिलता है। बहुत पहले आया था। फोटोग्राफी के लिए गेट तक आला हुआ है, अंदर आला हुआ। तो आप अंदर फोटोग्राफी नहीं कर सकते हो। महारानी मार्केट में ये फोटोग्राफी ज़्यादा अलाउड नहीं था, तो अब वहाँ से अब निकल के जा रहे हैं नेहरू मॉल आके। तो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, शॉपिंग भी अगर जमा तो कर लेंगे। तो चलते हैं नेहरू मॉल।
ड्रेस वगैरह के काफ़ी शॉप्स हैं, काफ़ी रीजनेबल रेट मिल जाता है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। जयपुर के नेहरू मार्केट में आ रहे हैं तो वहाँ पर एक कैफ़े या फिर बोलूँगा मैं ऐसा रेस्टोरेंट टाइप का है, छोटा सा है स्नैक्स वगैरह के लिए। सो वहाँ पर आप कचौड़ी लस्सी वगैरह ट्राई कर लीजिएगा, काफ़ी बढ़िया होता है। एंड अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो वो रहा देखिए, मैंने यहाँ पर कचौड़ी वगैरह ट्राई किया था, काफ़ी बढ़िया हो का टेस्ट। देखिए सो हमने ऑर्डर किया है ये प्याज की कचौड़ी एंड दिस इज हींग दाल की कचौड़ी जो यहाँ की स्पेशलिटी है, और ये चटनी के साथ भी मिलती है, दही के साथ भी मिलती है। वी प्रेफर्ड क्योंकि थोड़ा मुझे टेस्ट दही के साथ मिक्स हो जाता है, सो वी प्रेफर्ड विदाउट दही एंड वी प्रेफर द चटनी। यू कैन ऑल्सो फॉर स्पेशल समोसा जो यहाँ की स्पेशलिटी है। ये शॉप कॉल्ड सरदार जी का शॉप जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ पे, यहाँ की लस्सी भी बहुत फेमस है, यहाँ की फलूदा भी इज़ लाइक ऑसम। अगर जयपुर आ रहे हैं आप तो नेहरू बाजार में सिचुएटेड है, यू हैव टू ऑप्ट फॉर दिस शॉप एंड यू हैव टू कम एंड ईट, इट्स अ रियली रियली गुड एक्सपीरियंस। दिस इज कॉल्ड लच्छा रबड़ी, वैसे ही बनारस की बहुत फेमस है बट यहाँ पर भी बहुत टेस्टी मिल रही है, सो वी हैव ऑर्डर्ड दैट, इट्स वेरी नाइस। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी अभी कितना बज रहा है, इट्स 6 o'clock और इनका सारा खाना फिनिश हो चुका है, बेसिकली प्यासी कचौड़ी इज फिनिश, समोसा इज फिनिश। तो यहाँ पे ऐसे ही रहता है, ये लोग आपको अगर टाइम पे आओगे तभी मिलेगा, अदरवाइज आपको जो यहाँ की स्पेशलिटी है वो नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे कम ऑन टाइम एंड देन यू हैव टू, इफ यू वांट टू ईट देन ओनली यू हैव टू कम ऑन अ टाइम। तो सरदार जी के बाद हम निकले हैं ऐसे ही नेहरू बाज़ार में शॉपिंग के लिए, ये नेहरू बाज़ार की ही गलियाँ हैं, शॉप्स अगर आपको देख लो काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जूते जूतियाँ एंड बैग, हर तरह के प्रोडक्ट अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, अगर आप बाहर रहे हो तो विजिट कर सकते हो। सो फुल ऑन पैक मार्केट है एंड हर तरह के सामान आपको मिल जाएंगे, कपड़ों से लेकर के रजाई बैग जूते जूतियाँ हर तरह के प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं। सो आ रहे हो जैसा मैंने पहले कहा, आओ एक्सप्लोर करो, शॉपिंग करो एंड एंजॉय। सो वहाँ से निकल हम चले हैं सरौगी वहाँ से, यहाँ पर भी शॉपिंग के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। सारे शॉप्स वगैरह तो बंद दिख रहे हैं। सो गाइज अब हम पार्किंग से बाहर निकल रहे हैं एंड वी विल शो यू कि रात में जयपुर कैसा लगता है। इधर घुमा लो इसमें फिर वापस। हाँ इधर से निकाल लो, इधर से निकालोगे तो इधर से ऐसे निकालो, इधर की तरफ लेफ्ट।